हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ही अभी रिसेंटली में आपका HGPGI का एग्ज़ाम हुआ था। उसी को देखते हुए कुछ मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उनका हम रिव्यू करने वाले हैं। तो जितना भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी HGPGI का एग्ज़ाम दिया है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उनका जो क्वेश्चन आंसर थे वो क्या करेक्ट रहने वाले हैं या क्या किस टाइप से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे थे, तो वो भी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कम्प्लीटली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली भले ही ना हो, बट उसके ऊपर नीचे थोड़ा क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपसे मिस ना हो और आपको टाइम रहते ही हर एक अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपके सीधे ही मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाए। और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको इन्फॉर्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं कि आपका जो HGPGI का एग्ज़ाम हुआ था वो किस टाइप का देखने को मिला था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको रैंडमली दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, COVID-19 का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो COVID-19 के रिगार्डिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था आपसे कि COVID-19 का फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिलता है। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, CoV होता है स्टैंड फॉर कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, और D का मतलब होता है डिसीज़, और 19 का मतलब होता है कि जो नोवल कोरोना वायरस आपका 2019 में देखने को मिला था, कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, उसी के हम 2019 का नाम इसको दिया है, ठीक है। तो इसका यदि फुल फॉर्म आपको एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप से देखने को मिला था, और यदि आपने इस टाइप से क्वेश्चन को टिक करके आए हैं, तो आपका राइट आंसर ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मैंने ओनली आपसे जो आंसर्स है भाई मैंने पुटअप किए हैं, मैंने ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे पुटअप नहीं किया है, और पूरा कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका COVID-19 कोविशील्ड वैक्सीन डोज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था लैंग्वेज बना के कि COVID-19 का डोज कितना होता है कोविशील्ड वैक्सीन का अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा 2, ठीक है। यहाँ पर और भी ऑप्शन हो सकते थे, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकते थे, बट जो अकॉर्डिंग टू COVID-19 डोज कितना है आपको कितना देखने को मिलता है, 2 देखने को मिलता है, ठीक है। एक और होता है जिसको हम 3 बोल सकते हैं, बट वो प्रिकॉशन डोज के अंडर में आ जाता है, ठीक है। बट COVID-19 का जो डोज होता है वो आपको 2 देखने को मिलेगा, राइट आंसर आपको 2 देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे, वर्निक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रेन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्निक्स एरिया आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा था। हो सकता है मे भी थोड़ा डिफरेंट हो क्वेश्चन, बट इसी टाइप्स का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। हमारे पास वही क्वेश्चन है जो हमें स्टूडेंट्स ने पुटअप की है, ठीक है। तो इसको किसके लिए वो वर्निक्स आपका जो एरिया रहता है आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो स्पीकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, 5 ईयर चिल्ड्रंस फोली कैथेटर साइज, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के पूछा था, सेंटेंस बना के कि 5 ईयर चिल्ड्रंस है जिसको फोली कैथेटर लगना है उसका साइज क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यदि ऑप्शन का बात करें तो आपको 8 भी देखने को मिल रहा था, 10 भी देखने को मिला था, ठीक है। तो इस टाइप से यदि आपको ऑप्शन देखने को मिले थे, ठीक है, यदि 6 होता है तो आप 8 to 6 लगा सकते थे, बट जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका राइट आंसर जाता है वो यदि 8 उसमें होगा तो आपका राइट आंसर 8-1 देखने को मिलेगा, ठीक है। चिल्ड्रंस का बात कर रहे हैं तो उसका साइज़ का आपको अच्छे से पता है कि कितना होता है, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन आंसर को हमेशा ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या पूछा था आपसे HGPGI में, रूट COVID-19 वैक्सीन एडमिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना के पूछा गया था कि रूट कौन सा होता है COVID-19 वैक्सीन का, हम जब उसको लगाते हैं तो सभी को पता है हम IM रूट प्रेफर करते हैं, ठीक है। कौन सा रूट प्रेफर करते हैं, तो हम IM रूट प्रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मसल यूज़ इन द कीगल एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जब कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सा मसल यूज़ होता है, ठीक है, किसके लिए किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस टाइप से, इस टाइप से कुछ लगभग ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलता है, स्टेंटिंग द पेल्विक फ्लोर मसल, ठीक है। आपको सभी को पता है कि किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम इतना अच्छा आया था कि बहुत अच्छा ही एग्ज़ाम देखने को मिला था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे। तो आई होप सभी ने अच्छे से मार्क गेन किए होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मेथड ऑफ द रायल्स ट्यूब लेंथ मेजरमेंट फॉर इंसर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हम रायल्स ट्यूब की वो इंसर्शन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं उसका मेजरमेंट नापने के लिए। तो हमें से ही आपको अच्छे से पता है कि हम नो से लेके तो एयर से लेके फिर देन जीपी स्टर्नम तक हम उसको यूज़ करते हैं, उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपको नोज टू ईयर एंड जीपी स्टर्नम देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी ऑप्शन आपका सही हुआ होगा। ठीक है, वो बन करते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सकलिंग लैक्टेशन हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के पूछा था गया था कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टिमुलेट करता है आपके सकलिंग लैक्टेशन हार्मोन को। ठीक है, तो उसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कि क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीटोसिन देखने को मिलता है। ठीक है, सकलिंग का मतलब होता है क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना नहीं होता है। ठीक है, क्या इसका रिमूव आउट करना होता है, मतलब निकालना होता है, तो मतलब सक करना है, तो डेट मीन्स कि वहाँ से प्रोड्यूस करके निकालना होता है। तो डेट मीन्स कि वहाँ पे आपको प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन ऐसे टाइप के ऑप्शंस दिखे होंगे, बट जो आपका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीटोसिन आपके लिए राइट बना आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, सिक्वेंस पूछा था आपसे ब्रेन लेयर का। ठीक है, इनर टू आउटर लेयर का आपसे सिक्वेंस पूछा था, तो आपका सिक्वेंस हमेशा आपको अच्छे से पता है कि ड्यूरामेटर होता है, एरोक्नोइटमेटर होता है एंड द फायामेटर होता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आपको आउटर से पूछा था। ठीक है, ध्यान देना था, आउटर से पूछा था, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, आउटर से पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर आपको ये वाला देखने को मिलेगा। आई होप इस टाइप से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, यदि इस टाइप से नहीं भी होंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो हमारे पास आए हैं वो टोटल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडियन फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड डेट। ठीक है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा अवार्डेड डेट रहता है इंडियन नाइटिंगल का। ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं 7 नवंबर भी बोल रहे हैं और 12 मई भी बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 7 नवंबर ऑप्शन में नहीं था, 12 नवंबर ऑप्शन में था। तो यदि ऑप्शन में 12 नवंबर था, 7 नहीं था, तो आप 12 नंबर राइट कर सकते हो, बट यदि 12 मई नहीं था तो आप फिर उसका राइट आंसर आपको 7 नवंबर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आपको इसका राइट ऑप्शन या कुछ भी कोई से भी क्वेश्चन का आपको राइट ऑप्शन दिखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग आगे हम आपको उसमें भी अपडेट या उसका जो सोल्यूशन है वो भी आप करके बता देंगे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर कि क्या पूछा गया था, ब्लड विजन कंप्लेंट। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के पूछा था कम्प्लीटली लैंग्वेज में, तो ब्लड विजन किसके द्वारा हो जाता है, तो कैटरेक्ट, इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बना के पूछा था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा कीवर्ड्स और बस ओनली यहाँ पे क्या क्या लिया है, आंसर लिया हुआ। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट नंबर का, कंडक्शन सिस्टम सीक्वेंस पूछा था। ठीक है, आप सभी को पता है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है कि कंडक्शन सिस्टम का सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में और कुछ भी दे रखा होता है, बट यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिलता है, एस ए नोड होता है पहले, फिर आपका ए बी नोड होता है, देन बंडल ऑफ हिस्स होता है, देन पुरकुंज फाइबर होता है। ये सभी को पता है, बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पुटअप किया गया था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन सा है, तो जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके आपको सभी तो सभी को पता है कि पहले हर्षवर्धन थे। ठीक है, बट अभी जो रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा मनसुख एल मांडलिया आपके लिए हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इंडिया के। ठीक है, मेडिकेशन यूज़ फॉर द वेंटिकुलर फिब्रिलेशन और शोक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया था, कंप्लीट लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पुटअप किया गया था, तो यहाँ पर जो कीवर्ड था कि वेंटिकुलर फिब्रिलेशन और शोक के लिए कौन सा हम ड्रग यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में मेनी ऑफ ड्रग्स थे अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर आपका एफिनेफ्रिन राइट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, एज लिमिट ऑफ द चाइल्ड कोविड वैक्सीन कब से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो बात करें हम यदि चाइल्ड का, तो 5 ईयर से प्लस के बच्चों को हम कोविड वैक्सीन को लगाया जाता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, बोन कल्चर टेकन मेथड कौन सा होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि बोन कल्चर टेकन मेथड कौन सा होता है, तो हम जो इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको, बिफोर टेकिंग सैंपल इरिगेट द बोन। ठीक है, हम जब भी बोन का कल्चर करते हैं तो हम पहले उसको इरीगेट करते हैं, देन सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो बन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर कि आपसे क्या पूछा गया था, विच वैक्सीन इंटरनेशनली रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, कौन सा वैक्सीन ऐसा है, एक कंप्लीटली लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछा गया था कि अलग अलग देशों के नाम दे रखे थे। ठीक है, यदि वहाँ पे कोई पर्सन जाता है तो उसको कौन सी वैक्सीन का सर्टिफिकेट नीडेड होता है, तो ये रिमेंबर करना है, आपसे आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको हमेशा याद रखना है, येलो फीवर एक ऐसा वैक्सीन है जिसका सर्टिफिकेट का नीड आपको लगता है। ठीक है,
यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट स्कूल ऑफ द नर्सिंग इन इंडिया, ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो जो आपको सभी को पता है कि फर्स्ट स्कूल ऑफ द नर्सिंग मद्रास में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, मद्रास में कहाँ पे स्टार्ट किया था, मद्रास में, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर आपसे पूछा गया था, इसे इस टाइप से कुछ एक क्वेश्चन बना के पूछा गया था। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिला है, बट फिर भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन भी आपको प्रथम बिन देखने को मिलता है, थ्री, ठीक है। यहाँ पर और भी ऑप्शन थे जिनका कैल्शियम के आगे कितना कुछ भी लिखा होगा, शायद 9-10 लिखा होगा था, ठीक है, रोय हीमोफीलिया ए के पीछे भी कुछ लिखा होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन के आगे कुछ पुटअप लिखा था, तो वहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे छाटना था। तो इसके लिए जो राइट आंसर आपको जाता है प्रोथ्रोम्बिन थर्ड वाला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एसआरएस कोविड, ठीक है, ये एक कौन सा वायरस देखने को मिलता है, ठीक है। एसआरएस का आपसे पूछा गया था कि विच टाइप ऑफ द वायरस, ठीक है। तो जो ये एक आरएनए वायरस है और सिंगल स्टैंडर्ड वायरस की उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो सिंगल आरएनए स्टैंडर्ड वायरस देखने को मिलता है। आई होप सभी का आंसर ये वाला बहुत सही हुआ होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था येलो कलर प्लास्टिक बैग किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था, तो ब्लड कंटेंट वेस्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से भी ये वाला क्वेश्चन भी आपका सही हुआ होगा। हु वॉन द गोल्डन फूड इन द फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर अच्छा सा क्वेश्चन था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अभी रिसेंटली में कालीन एम बी पापा ने इसको क्या किया था कि अभी रिसेंटली इन्होंने बुन किया था, तो इन्हीं को क्या मिला था, गोल्डन बूट का यहाँ पे उनको दिया गया था, ठीक है। तो इसका नाम अच्छे से याद रखना है, एम बी एपी जो भी बोलते हो आप, अलग अलग लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, ठीक है। प्रॉपर वे टू वियर फेस मास्क कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्रॉपर वे है हम यदि कोविड-19 फेस मास्क को वियर करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को ऑप्शन नहीं मिले। यदि आपको मिलते हैं तो प्लीज़ पुटअप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं। यदि उसके भी और भी क्वेश्चन आपके माइंड में याद आ रहे हों, जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है, तो अपने क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव ट्राउजर साइन क्या देखने को मिलेगा, इसका एक राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, शायद मे भी आपसे इमेज क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर आपको पॉजिटिव ट्राउजर साइन देखने को मिलता है, जिसके हैंड आपको पीछे देखने को मिले थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके HGPGI के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो अभी रिसेंटली आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ था। आगे भी इसके पार्ट टू आपको मैं बना के बहुत जल्दी बता दूंगा, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन रिमेम्बर हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन ज़रूर पुटअप कर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, या आप इसके कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड एक अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, जब तक आप बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस।